जौनपुर शहर के शाही किला और शाही पुल घूमने के बाद आज हम आपको घुमाएंगे शाह फिरोज का मकबरा, जो कि जौनपुर शहर के सिपाह मोहल्ले में स्थित है। शाह फिरोज का मकबरा ऐतिहासिक एवं इस पर की गई प्राचीन वास्तुकला के डिजाइन से लोगों का मन मोह लेता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, जौनपुर टूर के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे फिरोज शाह का मकबरा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुरानी धरोहर है। यह जो प्रॉपर्टी है अभी फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर है और इसकी देख रेख भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग करते हैं और हम आज आए हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम आपको इस धरोहर से आज परिचय कराएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको सिर्फ इतना पता है कि यह फिरोज शाह का मकबरा है, लेकिन यहाँ पे और भी जानकारी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ के जो इंचार्ज हैं, एक अहमद जी हैं उधर, तो उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है इसके बारे में, क्या खास बातें हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं। आप अपना परिचय नहीं दिए, आपका नाम क्या सर? हमारा हसीन अहमद है। मस्जिद अहमद, हसीन अहमद, हसीन अहमद। ओके सर जी, आपका आप यहीं का देख रेख? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। इंचार्ज है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है जिसे गिरता पड़ता है तो फोटो खींच के शाही किलम डेटा अपने साहब को, सीओ साहब को, राजू सर आ रहे हैं, मैं उनको देता हूँ, वो अपने हिसाब से आगे चेक करके उसको बनवाते हैं। ओके सर, मतलब सब देख रेख आपके हाथों जी? मिला जी, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मुझे हैंडल करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, गिर रहा पड़ रहा है, तो मैं शाह को फोन करके दिखाएंगे, फोटो खींच के भेजेंगे, वो आगे करवाते हैं। हमारे साथ बहुत बढ़िया हैं सीओ। अरे भाई जो भाई, हम तो पुराने हैं। तो आप शाही मकबरा के बारे में क्या जानते हैं? भैया शाही मकबरा के बारे में हम कहाँ जानते हैं, माजिद भाई से आप बात करिए तो वहाँ होगा। शायद वही है, वही बता सकते हैं। सर जी, आप कुछ बता सकते हैं? शाही जो चीज़ें बहुत पुरानी है। अच्छा, ये फिरोज शाह का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक जी? नहीं, तुगलक नहीं, फिरोज शाह। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक दूसरा कोई था? तुगलक दूसरा कोई है। अच्छा, फिरोज शाह का मकबरा। अच्छा, ये बहुत पहुंचे लोग, चार भाई हैं। अच्छा, चार भाई हैं। हाँ, क्योंकि सबसे बड़े हैं। अच्छा, फिरोज शाह इसी में दफनाए गए हैं क्या? जी। अच्छा, ये लोग चार भाई हैं, एक भाई ये सबसे बड़े भाई है, छोटे भाई हमजा रिश्ती में है। कौन से? छोटे भाई हमजा रिश्ती वाले। अच्छा, एक के बगल में आगे भी है क्या मकबरा? मजार है ना, हम मजार है, बाबा का मजार। अच्छा, मजार उसके बगल में, ये अच्छा देवी घाट पे है, बड़ा अच्छा बाबा। अच्छा, इसके पीछे है ना, दिखेगा। ये लोग चार भाई, लेकिन बाकी लोगों का मकबरा इनके जैसा मकबरा नहीं बना है? नहीं, ये बहुत पुराना हुआ। अच्छा, इम्पोर्टेंट में इन्हीं का है, इम्पोर्टेंट में यही है। अच्छे ढंग से सबसे बड़े यही थे, सबसे बड़े यही हैं। अच्छा, ये बहुत सीधे हैं। अच्छा, अंदर दो मकबरा दिखाई दे रहा है, मतलब दो जन दफनाए गए। बच्चे का? अच्छा, अच्छा, उनके बच्चे का भी दफनाए गए। बच्चे का अभी कौन बच्चे का ये मालूम नहीं है। अच्छा, बच्चे का जो बाहर है तो बच्चे का, अंदर बड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और है इससे बड़ा है, वहाँ पड़ेगा कलवरे में आपको। कहाँ? ये बड़ी मजार है, सबसे बड़ी मजार है अंदर वाली। हाँ, और अंदर वाली ये 1924 या कुछ से है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। ये बता रहे हैं सर जी कि 1924 का ये बना हुआ है, तो ये जो है बड़ी बड़ी मजार है अंदर की। बड़ी मजार है। अच्छा, और वो उनके बेटे की हो सकती है? हाँ, बेटे हैं, भतीजे हैं, जो भी हो, मतलब उनके रिश्तेदारी हैं। हाँ, रिश्तेदारी हैं, चलो चार भाई हैं। अच्छा, तो दो मजारे हैं अंदर? दो मजार, अंदर ही देखना, देख सकते हैं। अच्छा, अंदर जा सकते हैं, किधर से रास्ता है? आइए। तो अंदर लॉक है, दे सकते हैं, लेकिन अंदर जो कब्र बनी हुई है, खोल दे। खोल सकते हैं क्या सर? खोल दे। अरे खोल दीजिए, तो और अच्छी बात है सर। वो चाबी देता हूँ। जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे ना, तो हम लोग ऐसे अभी डॉक्यूमेंट्री टाइप करके फिर बताते हैं। चीज है अपने यहाँ जो धरोहर है। तो सर जी चाबी लाए हैं और खोल रहे हैं, अभी हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। क्षेत्र में अपनी यूपी में
चाहे अपने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे धरोहरें हैं जिसके बारे में सभी को पता नहीं है, इसके जरिए लोग जानकारी मजदूर लोगों को प्राप्त। तो हम अंदर घुस रहे हैं, देख सकते हैं आप। बापरे, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बना है यार। ये हमेशा ठंडा रहेगा, हमेशा कोई भी मौसम हो। हाँ, अच्छा ठंडा मिलेगा। पैलेट में जो है ना, ये लकड़ी का दरवाजा। अच्छा, चारों में लकड़ी का जो ग्रिल लगी हुई है। हाँ, तो लकड़ी का, इसके अंदर पहले लकड़ी का दरवाजा था। लकड़ी का दरवाजा था पहले। जब ये 18 का डिजन चला गया शाही किले में, तब तेल हो गया, गेट लग गया। अच्छा, मतलब शाही किला के, मतलब समझ लो फिरोज शाह का किला भी है वो, और यही मकबरा भी उनका है। और कोई काम अगर टूटा फूटा रहता है तो शाही किले वाले इसको बनवाते हैं। अच्छा, सब मेंटेनेंस शाही किले वाले जो मैनेजर है उधर के वही मैनेज करते हैं, उन्हीं के अंडर में आना ये। तो सर जी का कहना है कि ये कोई भी मौसम हो, कितनी भी ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, लेकिन इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि हमेशा ठंडा ही रहता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त डिजाइन है। आप देखिए बाहर इतनी गर्मी है, बाहर इतनी गर्मी है, इसके अंदर इतना ठंडा हुआ, आप खुद देख रहे हैं। ठंडा तो बहुत है सच में, ठंडा है। कितनी भी ठंडी पड़ेगी इतना ही ठंडा रहेगा, तो ऊपर देख सकते हैं बहुत ही अलग ही तरह से डिजाइन बनाया गया, बहुत ही टफ डिजाइन है। आजकल की इंजीनियरिंग तो बहुत हटके है, बहुत ही मेहनत से बन सकता है वो सब, लेकिन देख सकते हैं जो पुरातत्व के लोग थे, पहले पुराने जमाने के लोग थे, जो कितनी मेहनत करके ये सब बनाए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है फिरोज शाह का मकबरा, और उधर उनके कोई रिश्तेदार का है। तो दो मकबरे हैं अंदर, और बहुत ही अंदर डिजाइन, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया गया है अंदर। और ये है फिरोज शाह जी का, जो किंग थे, उनका मकबरा, और कहते हैं कि ये उनके लड़के का मकबरा है। पहले का यार, देखा लाइक चीज है, ऊपर कैसे जा सकते हैं अभी? सर यहाँ के जो इंचार्ज हैं हमको लेके जा रहे हैं इधर ऊपर मकबरे के ऊपर, बताने वाले हैं कि क्या क्या खास बात है इस जो मकबरे में, क्या खास बात है और किस तरह की डिजाइंस हैं। बोल रहे हैं कि यह इधर के जो कलर हैं, जो मकबरा जिस कलर से किया गया था वो अभी तक कलर मौजूद है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक उस जमाने का पेंट जो है आज तक भी सुरक्षित है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार है, कैसा दिखता है। तो आइए चलिए, हम लोग इस समय मकबरे की दूसरी मस्जिद पर आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं। बहुत ही एक कलाकारी का जितना लगता उदाहरण है, जो कि आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये जो है ये पत्थर अलग अलग से कट, तरह से अलग अलग डिजाइन से कट करके बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन कलर दिया गया है इसको। मतलब उस जमाने जो कट कर देगा, आज से पेंट नहीं हो पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले के लोग ऐसी सीढ़ी बनाते थे, देख सकते हैं मकबरे में ऐसी सीढ़ी बनी है, अंदर से पता नहीं चलता कि इसमें सीढ़ी होगी, ऊपर जाने की भी जगह होगी, लेकिन ऊपर हम लोग आज बहुत दिन बाद, मतलब पहली बार इधर आए हैं मकबरे के जो ऊपर गुंबद के ऊपर, देख सकते हैं बहुत ही सकरी सीढ़ी बनी हुई है, और समझ लीजिए कि अगर आप अंदर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इसमें सीढ़ी होगी।
तो बहुत ही अक्लमंद थे पहले के इंजीनियर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे, अभी नीचे की तरफ। ओके अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बताया, बहुत अच्छा लगे हमें ये सब जानकर। हाँ ओके, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए ठीक।